बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक माई पी के। सो जेंटलमैन, आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं, लेकिन दिस टाइम आई एम एट यूनाइटेड ऑटोज रावलपिंडी और उमर भाई के पास हम आए। एक बाइक जो हम दिखाने वाले हैं, टाइटल देख आप समझ ही चुके हैं, ये है कावासाकी का Z750 और ये स्वीट स्पॉट है बिटवीन 600 एंड 1000 सीसी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अंडर पावर लगता है 600, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और जिन लोगों को 1000 सीसी बहुत ज़्यादा लगता है उनके लिए भी ये एक स्वीट स्पॉट है। और इस बाइक के बारे में मज़ीद हम जानेंगे। उमर भाई अभी मुझे बता रहे थे कि ये जस्ट स्टॉक बाइक नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ काम हुआ हुआ है, तो वो क्या काम है अभी हम जानेंगे उमर भाई से, फिर हम चलेंगे बाइक के कंप्लीट रिव्यू की जानिब। फिलहाल बढ़ते हैं उमर भाई के पास और इनसे पूछते हैं बाइक के बारे में कि व्हाट आर वी डीलिंग विद ओवर हियर। सो ओवर टू उमर भाई। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज ख्वाजा मोहम्मद उमर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि उमर ने आपको बताया कि बल्कि आज तो उमर ट्विन्स हैं आपके सामने, उधर भी उमर है टेबल के और इधर भी उमर हैं। तो जिस तरह ख्वाजा उमर ने बताया कि आज हम आपके लिए Z750 का रिव्यू लेके आए हैं। Z750 पाकिस्तान के अंदर दो ही बाइक हैं, और एक तो लाहौर में ऑलरेडी चल रहे हैं, एक पाकिस्तान एक रावलपिंडी में हमारे पास है। जो बाइक हमारे पास है बेसिकली ये 2005 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, और ये बाइक दूसरे Z750 से काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके अंदर आफ्टर मार्केट का इतना सामान लगा हुआ है कि जितना इसके ऊपर लगाया जा सकता है। डिटेल तो आपको हम रिव्यू के अंदर ही बताएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ आपको। फ्रंट व्हील के ऊपर इसके व्हील स्पूल्स लगे हुए हैं, इसकी इलेक्ट्रिक हीटेड ग्रिप्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, रिजोमा का हैंडल लगा हुआ है, रिजोमा की रिजर्वायर लगी हुई है ब्रेक ऑयल की, उसके अलावा बैक व्हील स्पूल्स लगे हुए हैं, क्रैश गार्ड लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट एक्स्ट्रा लाइट्स लगी हुई हैं, सीट कावल है, और वन ऑफ द नीटेस्ट बाइक है ये, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। स्कॉर्पियो का एग्जॉस्ट लगा है, और बड़े मज़े की बात आपको बताऊं कि आज सुबह ही मैंने इसके ऊपर राइड भी की है। आपने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, दोस्तों ने इसका आज कुछ डिटेल देखी भी होगी, और मैंने बड़ा इन्जॉय किया। थोड़ा सा नेकेड बाइक के अंदर जो मैंने आज फील किया है कि जब आप 170 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जाते हैं तो नेकेड बाइक थोड़ा आपको तंग करते हैं, अदरवाइज़ वंस यू गेट यूज टू नेकेड बाइक्स आपको सुपर स्पोर्ट्स पसंद नहीं आते। मैं कावासाकी का Z1000 यूज़ कर रहा था, इट वॉज़ वेरी गुड मशीन। उसके बाद मैंने Z750 आज चलाया, मुझे अंडर पावर बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई, बट बहुत नाइस, एक्सलरेशन बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और जैसा कि उमर ने बताया कि 600 और 1000 के मिडिल के अंदर एक स्पीड स्पॉट है कि जिन लोगों को 600 अंडर पावर लगती है और 1000 ओवर पावर लगती है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। और चूँकि ये नेकेड है इस वजह से इसकी हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, तो मेरा ख्याल में ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ूंगा उमर के लिए। तो ओवर टू उमर। उमर इंशाल्लाह आपको बाइक का अभी कंप्लीट डिटेल रिव्यू भी करके बताते हैं और इसकी जो है आपको लुक्स भी दिखाते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो और अभी हम इसका एक 360 ले लेते हैं। यह है कावासाकी Z750 2005 मॉडल है ये। पहले इसका एक 360 ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और प्राइस, आस्किंग प्राइस इसकी क्या है। जैसा कि उमर भाई ने आपको बताया था कि इसमें एडिशनल काफ़ी सारी एक्सेसरीज इसमें इंस्टॉल की गई हैं और ये वन ऑफ अ काइंड है पाकिस्तान में, बकौल इनके ये दूसरा बाइक है और इंतहाई नीट क्लीन है। एक इन्होंने बताया लाहौर में और उससे भी अच्छी कंडीशन में इस वक्त ये यहाँ पे यूनाइटेड ऑटोज़ पे मौजूद है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। इनलाइन फोर सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है ये। सो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो इंजन डिस्प्लेसमेंट है इसकी 748 सीसी,
और बोर 68.4 और स्ट्रोक 50.9 mm है। जो हॉर्स पावर ये जनरेट करता है 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 1100 RPM पर, तो बहुत पावरफुल मशीन है ये। और चलिए इसकी ज़रा एग्जॉस्ट चेक कर लेते हैं। स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट है इसमें इंस्टॉल है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी साउंड सबसे पहले सुनते हैं और फिर मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स हियर द साउंड। ये हमने इसे ऑन किया, ये आइडल पोजीशन में साउंड है इसकी। अभी इसे रेव करके देखते हैं। सो साउंड आपने सुनी, ज़रूर बताइएगा कैसी है। फ्लेम भी मार रहा था ये, अभी आपने देखा फ्लेम आ रहा था इसके एग्जॉस्ट से। फैंटास्टिक चीज़ है ये। और मीटर आपके सामने, इसे ऑफ करके ऑन करते हैं। ये कुछ इस तरह आपको वेलकम करता है। बाकी राइट हैंड साइड पे हमें इंजन किल स्विच और एक अदद सेल्फ स्टार्टर मिल जाता है बटन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल रिजर्वायर फ्रंट डिस्क के लिए। सो गाइस, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल जाता है एक अदद हीट कंट्रोल मिल जाता है हीट ग्रिप्स के लिए। फिर हमारे पास लाइट्स हाई बीम लो बीम आ जाता है और इंडिकेटर्स आ जाते हैं। और नीचे हमारे पास आ जाता है एक अदद कन्वेंशनल हॉर्न और हैजर्ड बटन यहाँ पर हमें अवेलेबल है। फ्रंट टायर्स की बात की जाए तो 120/70/17 का टायर फ्रंट पे मिल जाता है और डुअल डिस्क ब्रेक सिस्टम हमें मिल जाता है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ। रेयर पे हमें 180/55 का टायर मिल जाता है और डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ एक अदद सिंगल डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिल जाती है हमें। ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन अलॉय रिम्स। फ्रंट पे हमें डुअल शॉक सिस्टम मिल जाता है और रेयर पे एक अदद मोनो शॉक मिल जाता है जिसका ट्रेवल है 126 mm। स्टॉक बाइक में हमें ABS का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन चूंकि इसमें एडिशनल ABS इसके साथ लगाया गया है और फिर स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट हमारे पास लगा हुआ और पीछे आप स्पूल्स देख सकते हैं स्टैंड के लिए, ये भी आफ्टर मार्केट इसके साथ लगाए गए हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं क्रैश गार्ड्स और साथ ही हमारे पास पावरफुल एक लाइट LED लाइट आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है रिज्यूमा का ऑल रिजर्वायर और साथ ही हमारे पास आ जाता है ये भी आफ्टर मार्केट हैंडलबार इन्होंने लगाया हुआ है साथ। लीवर्स आप देख सकते हैं, लीवर्स भी आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। स्टॉक इसके साथ ये लीवर्स नहीं आते, लेकिन आफ्टर मार्केट बेहतरीन किस्म के लीवर्स इसके साथ लगाए गए हैं। सो गाइस, अगर इस बाइक की प्राइस की बात की जाए तो कावासाकी Z50 2005 मॉडल है ये, और इसकी जो आस्किंग प्राइस है वो है 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपये में ये बाइक अवेलेबल है यूनाइटेड ऑटोस रावलपिंडी पे। तो अगर आपको ये बाइक चाहिए डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है। तो इफ़ यू लाइक दिस बाइक यू कैन जस्ट कांटेक्ट उमर भाई एंड गेट दिस बाइक फ्रॉम यूनाइटेड ऑटोस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको इसकी साउंड सुनाना चाहूँगा, साउंड सुन लीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो वेरी मच। और येस, एक चीज़ यहाँ पर हम मिस कर गए, इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो कंपनी ने इसे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 220 किलोमीटर पर आवर पे। 220 किलोमीटर से ऊपर ये बाइक नहीं जाता, इस पे लिमिटर लगा हुआ है। तो 220 मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सड़कों के लिए बेस्ट स्पीड ऑप्शन है यहाँ पे। और यस, चलिए इसका साउंड सुनते हैं एक दफ़ा फिर और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। अगर अभी तक आपने बाइक माइट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू गो। लेट्स हियर द साउंड वन मोर टाइम। इसको स्टार्ट करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड साउंड एज वेल। बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। Thank you.